13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल पाइप दे रखा है हमको, और इसकी हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। जो मेटल पाइप है उसकी जो लेंथ होती है वो मतलब वो हाइट ही है उसकी, हाइट मतलब लेंथ, h इज इक्वल टू ये 77 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। तो जो मेटल का पाइप है वो थोड़ा सा मतलब मोटा है, थोड़ी विड्थ है उसकी, उन्होंने बोला कि जो उसका इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि अंदर वाला जो रेडियस है उसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर, और जो बाहर वाला रेडियस है उसको बोल दिया कैपिटल आर। तो 4 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर इनर रेडियस, और आउटर रेडियस 4.4 का आधा कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं वो थर्ड पार्ट में इसके पूछ रहे हैं कि आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए कैसे निकाला जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकालेंगे कि ये एक मेटल का पाइप है जिसके मेटल की कुछ मोटाई भी हमको दे रखी है, भाई अंदर वाला जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, बाहर वाला रेडियस 2.2 सेंटीमीटर है। तो अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया अलग निकलेगा, बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया अलग निकलेगा। अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। उसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो ऊपर एक रिंग बन रहा है, एक रिंग बन रहा है भाई, बीच में से तो हॉलो है, पाइप है तो बीच में से तो हॉलो है, तो एक रिंग ऊपर बन रहा है और एक रिंग नीचे बन रहा है। ठीक है, वही देख रहा हूँ मैं, ये हुआ क्या, एकदम से आंखें दिखनी बंद हो गई। तो अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर वाला रिंग और नीचे वाला रिंग, इन सारे एरियाज को आप सम कर दीजिए तो टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा थर्ड पार्ट पे उन्होंने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है इस पाइप का। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर सीएसए प्लस आउटर, इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। ठीक है, तो इनर सीएसए हो जाएगा बेटा 2πRH, आउटर सीएसए 2πR×H प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और टू रिंग्स हैं, एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे, तो दो रिंग्स का एरिया 2πR² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए 2π इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2π कॉमन ले सकते हैं, तो 2π कॉमन ले रहे हैं हम, तो हमने 2π कॉमन ले लिया, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर एच प्लस
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 × 22/7। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं पाई की वैल्यू 3.14 दिया हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो 2 × 22/7, स्मॉल आर कितना है 2 और एच कितना है 77, तो 2 × 77, कैपिटल आर कितना है 2.2, तो 2.2 × 77 और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं भाई यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 44/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 77 × 2 कितना हो जाएगा 154। 2.2 × 77 एक काम करो, इधर भी सुनिए, इधर भी 77 है, इधर भी 77 है, तो दोनों में से आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई, चलो छोड़ो कर ही लो डायरेक्ट, अभी कंफ्यूज हो गए आप लोग। 154, 2.2 × 77 कितना बताया 169। ठीक है देख लेता हूँ एक बार, 2 7 14, 1 कैरी आ गया, 2 7 14 और 115 ये हो गया, और ये हो गया 549, 156, 1694 आ रहा है। ठीक है तो ये हो गया बेटा 169.4 प्लस 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84, एक्चुअली 22 का स्क्वायर 484, तो 2.2 का कितना हो गया 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है अब 44 × 7, 154 प्लस 169.4 कितना हो जाएगा, 0.4 तो अलग लिखी है यहाँ पर, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 5 6 प्लस 6 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 323.4 प्लस 4.84 माइनस 4 कितना हो गया 0.84। 44/7 मल्टीप्लाइड बाई, जब इनको ऐड करेंगे तो इधर 4 आ गया और 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 4 और ये 324.24 कितना हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड होता है या नहीं, होता है या नहीं होता है, कर ही लो डिवाइड। 7 4 जा 28 और 32 माइनस 28 करेंगे कितना आ जाएगा 6, नहीं 32 माइनस 28 हो गया 4, 4 4 44, तो 7 6 जा 42, 2 आ गया 22, 7 3 जा 21, 22 माइनस 21 1 1 4 14, 7 2 जा 14, 44 × 46.32, 44 × 46.32, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 18528, तो यहाँ पर भी 82581, 8 आ गया, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10, 1 कैरी 203808, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा चेक करिए आंसर देख लीजिए एक बार, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 13.2 क्वेश्चन क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट यही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लूँ एक बार। ठीक है समझ गए? नहीं समझ? ठीक है हाँ जी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं। सर मुझे सर इस क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी, जैसे उसका फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया का, सर वो मुझे समझ नहीं आया कि उसमें हमें इनर सीएसए, आउटर सीएसए और एरिया ऑफ टू रिंग्स कैसे चाहिए।
वो कैसे निकाला? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर इन्होंने ना ये बोला है क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक मेटल पाइप है, और इन्होंने ना मेटल पाइप बोलने का मतलब ये है कि उस पाइप की कुछ ना कुछ विड्थ है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। देखिए ऐसा है वो पाइप, तो जब हमसे ये कहा जाएगा कि ऐसे पाइप का आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है, तो पाइप का मतलब क्या हो गया? पाइप का मतलब ये है कि उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो भी मेरे को पूरी उसकी सरफेस जहां जहां नजर आती है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है, इसका टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो मैं आगे का एरिया भी निकालूंगा, मैं पीछे का एरिया भी निकालूंगा, इधर का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी, हम हर तरफ के जो एरिया हमें नजर आएंगे वो हम निकालेंगे। तो जब ये मेटल पाइप है तो मेटल पाइप का मतलब क्या है कि अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है, बिल्कुल खाली है, मतलब हम अगर अपना हाथ घुमाना चाहें तो इसके अंदर हम अपना हाथ घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अंदर का जो सरफेस एरिया है बेटा वो भी लिया जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यस सर। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया ले लिया, सबसे पहली चीज तो ये। फिर जो दूसरी चीज मुझे नजर आएगी, मतलब मुझे जो जो एरिया नजर आए वो सारा एरिया टोटल कर दो, दैट्स व्हाई दैट टोटल, दैट्स व्हाई टी एस ए इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। फिर टोटल जितना भी मुझे एरिया नजर आता है, तो मैंने कहा कि अंदर अगर हमने इस तरह से हाथ घुमाया तो अंदर भी एक एरिया है, दैट इज इनर कर्व सरफेस एरिया। बाहर हम हाथ घुमाते हैं तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और अगर मैं ऊपर देखूं तो ये हुआ हमारा इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए, और फिर अगर हम देखेंगे तो बिकॉज इट इज मेड ऑफ मेटल तो ये ऊपर ना, ऊपर बेटा इतनी जो सरफेस है ये मेटालिक सरफेस नजर आएगी, जो ये रिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है, और ऐसा ही एक रिंग वाला पोर्शन नीचे भी बचा रहेगा। तो अगर मैं ऊपर से और नीचे से इसको देखूंगा तो ऊपर भी मुझे एक रिंग नजर आएगा, तो इसका सरफेस एरिया इस रिंग का, और नीचे भी एक रिंग नजर आएगा तो रिंग का नीचे वाला सरफेस एरिया, तो ये करके हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि टोटल जितनी भी सरफेस हमको नजर आती है उस पूरे का एरिया। समझ गए? ये ओके सर। एंड सर, अगर ये पाइप अगर हॉलो नहीं होता तो हम ऊपर का सरफेस पूरा मतलब बिगर रेडियस का साथ लेते। बताओ आप क्या लेते हैं? अगर ये पाइप हॉलो ना होता तो मैं ऊपर और नीचे क्या लेता? ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल। समझ गए? और दूसरी चीज सुनिए कि अगर ये पाइप हॉलो ना होता तो फिर मुझे अंदर वाला एरिया दिखाई नहीं देता, तो फिर मैं सिर्फ बाहर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, बस ये लेता। क्लियर यस सर। है? अच्छा, अभी किसी ने पूछा है एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, शायद यही है 13.5 क्वेश्चन 9। ये चुंगम आप ही लोग खाते हो ना इधर बैठ के? ये चुंगम रखी थी, पता नहीं किसी की यहीं पड़ी हुई थी, तुम्हारी होगी, मतलब पैक्ड थी, हाँ यूज्ड नहीं थी, ले जाना। ये रख दूं मैं इधर, ये मिटा दूं इधर से। क्या हो गया? इस तरह से कौन बुक छीनता है भाई? खुद की है क्या? ओहो, और भाई तुम्हारी कहाँ है? चलिए एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन 9। अच्छा विहान, तुम्हारी में भी मिस प्रिंटिंग हो रखी है क्या? तुम्हारी में कुछ और हो गई प्रॉब्लम? अच्छा बैग ये आपका ही है, इसमें क्या लाए हो? अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि आप सब लोग बैग लेकर आते हैं लेकिन फिर बुक नहीं होती तो बैग ऐसे ही खाली रहते हैं। हाँ तो लैपटॉप तो जहां भी जाते हो उसको साथ लेकर जाओगे? अरे भाई अरे बस भाई, झगड़ो मत, एनसीईआरटी है तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई
बहुत महंगी कोई चीज मिल गई हो। एक्सरसाइज 13.5 का है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये है, अरे इधर देख लो। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। ठीक है, एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है। तो ना हम एक मिनट, बातें नहीं, हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी रिवर की बात करते हैं तो रिवर की जो शेप है, कभी भी अगर हम देखेंगे तो हम रिवर हमको बहती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हम रिवर को टॉप से देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई देगा कि रिवर की कुछ लेंथ है, क्योंकि वो बह रही है तो उसकी कुछ लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक, तो जैसे रिवर है, कोई नदी है, तो उसके इस तरफ भी कुछ लोग खड़े रहते हैं, उसके उस तरफ भी कुछ लोग खड़े रहते हैं, जिसको हम नदी का किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हम क्या देख सकते हैं, नदी की विड्थ देख सकते हैं, ब्रेथ। तो नदी की लेंथ कितनी है ये मुझे नहीं पता, कहाँ तक जाएगी लेंथ, कहाँ तक नदी बहती जाएगी, जाकर समंदर में मिलती है, कहीं रुकती तो नहीं है ना नदी। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि कभी भी आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो नदी की लेंथ नहीं दे रखी होगी आपको, आपको ये दे रखा होगा कि उसमें पानी जो है वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से बह रहा है। ठीक है, वहां से लेंथ कैसे निकालनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक, नदी की जो विड्थ है दैट कैन बी कैलकुलेटेड। आपने क्या करा, आपने एक बंदे को उधर बोला कि भाई तू उधर एक जो है कोई रोप पकड़ कर बैठ, इधर मैं रोप पकड़ कर बैठता हूँ, और रोप को स्ट्रेच कर लिया, और फिर आपने मार्क उस पर लगाकर, और फिर आपने कहा कि अब मैं इसकी रोप की लेंथ को मेजर कर लूंगा, तो मुझे क्या है कि नदी की विड्थ भी पता चल चुकी है। तो नदी की विड्थ हमें पता चल जाएगी बाई एनी फिजिकल मेथड ऑफ मेजरमेंट, वो हम मेजर कर सकते हैं। नदी की गहराई भी मेजर करी जा सकती है नदी में उतर के। ठीक है, तो नदी की गहराई मेजर करी जा सकती है, लेकिन नदी की लेंथ मेजर करना दैट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। करा जा सकता है उसको भी मेजर, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम देखें तो नदी में, किसी भी रिवर में हमको क्या मिला, हमको 3 चीजें मिली। लेंथ, जिसको करा जा सकता है कैलकुलेट लेकिन करते नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन होती तो है ना, उसकी कुछ लंबाई कहीं तक जा रही होगी तो लेंथ हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई यानी कि ब्रेथ हो गई, और उसकी डेप्थ, डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से क्यूबॉइड बन गया ये, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ, डेप्थ यानी कि हाइट। तो इसका मतलब नदी की शेप को हम एक क्यूबॉइड की तरह से ट्रीट करेंगे, नदी को सिलेंडर तो नहीं मानेंगे। नदी में देखिए वैरी हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किनारे के पास थोड़ा मिट्टी ज्यादा इकट्ठी होगी तो वो होगी, लेकिन एक तरह से कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं उसको। ठीक है, कि कॉन्स्टेंट है उसकी डेप्थ। अब हमने इसी वजह से, अब हम इसी वजह से यहाँ पर एक ना क्यूबॉइड की शेप बनाएंगे, और आप, आपको ये अज्यूम करके चलना है कि वो एक रिवर है। ठीक है, देखिए मैंने ऐसे एक क्यूबॉइड बना लिया, तो आप मानिए कि यहां पर कि ये नदी है और यहां पर पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे, और कितनी स्पीड है उसकी, इसकी स्पीड दे रखी है इन्होंने 2 किलोमीटर पर आवर। अब 2 किलोमीटर पर आवर को मैं बोलूंगा 2000 मीटर पर आवर। मेरी बात समझ में आ गई भाई, 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2000 मीटर पर आवर। चलिए, उसके बाद नदी की गहराई दे रखी है 3 मीटर डीप, तो जो इसकी हाइट है या डेप्थ मान लीजिए तो वो 3 मीटर है। अच्छा, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी दी है, 40 मीटर वाइड। नहीं ऐसा नहीं है, पानी तो एक जैसे ही चलेगा ना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस बीच में किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए। ठीक
ठीक है, तो अगर पानी तेज बहता हुआ आएगा पीछे से तो आगे भी तेज ही बहेगा, एक जैसा ही है। और इन्होंने ये दे रखा है कि इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि कॉन्स्टेंटली वो इतने स्पीड से ही बह रहा है। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ब्रेथ है, हाइट है, लेकिन लेंथ नहीं है, तो लेंथ के लिए हम क्या फंडा लगाते हैं यहाँ पर, देखिए नोट करिएगा, लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू रिवर इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 आवर मतलब एक घंटे में कितनी पानी की कितनी लेंथ फ्लो करके निकल जाएगी, 2000 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई सबको? अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमारी स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक घंटे में हम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। वही चीज यहाँ पर है कि पानी की कितनी लेंथ फ्लो करके निकल जाएगी आगे एक घंटे में, 2000 मीटर, 2000 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट, विल फॉल इन टू द सी, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि नदी बहती 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 कहाँ जाती है, समंदर तक जाती है, और समंदर में उसका पानी गिर जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में नदी का कितना पानी समंदर में गिर जाएगा ये बताना है हमको। तो इसका मतलब हमने कहा लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन रिवर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2000 मीटर, दैट इज 1 आवर का मतलब क्या हो गया बेटा, 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स 2000 मीटर। ठीक है, यूनिटरी मेथड याद रखिए, जैसा कि हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी करा था, 60 मिनट्स में कितना पानी कितने पानी की कितनी लेंथ फ्लो कर गई, 2000 मीटर्स, तो 1 मिनट में कितनी, दैट इज 1 मिनट 2000 अपॉन कुछ, टू, चलिए ठीक है, तो हम कर नहीं रहे उसको सॉल्व, हमने क्या करा 0 से 0 काट दिया, 2 3 6 और ये 100, तो बेटा 1 मिनट में कितना हो गया, 100/3 मीटर, 1 मिनट में इतनी लेंथ फ्लो कर गई पानी की। ठीक है, यहां तक हर बच्चे को क्लियर है या नहीं ये बता दीजिए। ठीक यस है, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बता दें भाई, यशिका, यश, विधि, वंश, यस सर, ठीक है, चलिए, यस सर, ओके ओके, यस सर, ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। मैं इस तरफ कर रहा हूं इसको, अच्छा तो 1 मिनट में इतनी लेंथ फ्लो कर गई। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट इज इक्वल टू एल इन टू बी इन टू एच। भाई हमारे पास पूरी लेंथ तो पता नहीं हमको रिवर की, लेकिन इतना पता है कि 1 मिनट में लेंथ कितनी ट्रेवल कर जाएगी, 1 मिनट में पानी की कितनी लेंथ ट्रेवल कर जाएगी, तो वो 1 मिनट वाली लेंथ आ गई। ब्रेथ और हाइट फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आप 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पानी का फ्लो कर जाएगा वो पता चल गया। भाई 1 मिनट में जितना पानी फ्लो करेगा उतना ही तो रिवर में जाकर सी में जाकर गिरेगा, हो गया काम। तो एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना हो गया देखिए, 100/3, ब्रेथ इसकी फिक्स है 40 और हाइट 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब। ठीक, और 4000 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, छोड़ो ना, मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं ना, मीटर में है ना सब कुछ, लंच ब्रेथ 4 लीटर बस। नहीं, हाँ 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 4000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तब बोलते हैं ना 4 लीटर उसको, 4000 मीटर क्यूब। हाँ तो एक काम करो इसको ना मीटर क्यूब में रहने दो, मीटर क्यूब में रहने दो, तो जरा देखिए आंसर कितना दे रखा है,
13.5 का आंसर कितना है? 13.5, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर कितना है? 4000 मीटर क्यूब भी दे रखा है बस, तो ठीक है। हाँ जी और बताइए, पार्ट क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है और बताइए, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? वैभवी, प्रिया, सोमन, सिमर, बताइए, लावण्य, लक्ष्य? नो सर। यस सर। चलिए ठीक है, बार बार ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपका टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर का, इसलिए। क्या हो गया, खांसी हो गई टेस्ट के नाम से? वो तुम्हें भी एक मिनट, एक डाउट और आया। फ्राइडे को नहीं, नहीं अभी इसका लूंगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अच्छा आप एक काम करिए, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन 7 देखिएगा, क्वेश्चन 7 देखिए जरा, 13.6 का क्वेश्चन 7 है, मोबाइल फोन में तो होगा ही, है एनसीईआरटी? नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल फोन है, फोटो ले लो, फोटो लेकर देख लो उसमें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 13.6 क्वेश्चन 7 दे देना बेटा इधर, एक बार उसको दे देना, फोटो खींच कर दे देगी आपको, क्वेश्चन की फोटो खींच लो और देख लो। क्वेश्चन 7 है, 7 में देखिएगा, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ठीक है, अब जरा ना ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम कैंडल देखते हैं, जो कैंडल होती है तो कैंडल सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो कैंडल को ऐसा थोड़ी है कि वैक्स को पिघला दिया और कोई बैठ के हाथ से उसको शेप दे रहा है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जैसे कि खाली सिलेंडर हो, तो खाली सिलेंडर के बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या, हाँ वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पिघलता हुआ जो वैक्स है, पिघला हुआ जो वैक्स है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है, डालने के बाद में जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसको खींच कर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल बनती है, बिल्कुल वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं किसमें, पेंसिल में। लेड की पेंसिल किस तरह से बनेगी, आप जब भी देखिएगा कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल में क्या होता है कि वुड की होती है, तो उसके अंदर ना वुड का वुड होती है और बीच में खाली पोर्शन होता है, उस खाली पोर्शन में ग्रेफाइट के अंदर लेड को मिक्स करके, लेड क्या होता है, शीशा, शीशा जो दर्पण होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं ना, क्योंकि ग्रेफाइट अपने आप में क्या होता है, ग्रेफाइट से बनती है ग्रीस, ग्रीस वो होती है जिसको चेन में या मूवेबल पार्ट्स में किसी भी मशीन के इंजन में लगाया जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो काफी मतलब उसमें चिकनापन होता है, ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो अब अगर ग्रेफाइट ही डाल दिया जाए तो पेंसिल उतनी अच्छी बनेगी नहीं, आप जरा सा लिखोगे वो पेंसिल एकदम टूट कर गिर जाएगी वहां पर, तो इसलिए उसके अंदर लेड मिक्स करा जाता है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए। तो देखिएगा हमने क्या करा, मैं थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ तो आप समझ जाइए कि ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, ये तो वुड वाला हो गया, ये तो पूरा वुड वाला पोर्शन हो गया, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये खोखला है, खोखला मतलब खाली है, हॉलो है। ठीक, और इसके अंदर ग्रेफाइट इसके अंदर भर दिया जाता है। ठीक है,
और फिर जब हम उसको शार्पनर से शार्प करते हैं तो वो पेंसिल बन जाती है, फिर हम लिखते हैं उससे। ठीक, तो जरा देखिएगा इसमें इन्होंने बोला है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, सिलेंडर है वुड का, लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर, विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, अंदर जो है वो ग्रेफाइट भर दिया जाता है उसके अंदर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। तो पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक, कैपिटल आर, दिस इज गिवन टू बी 7 मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। तो अंदर जो ग्रेफाइट है सिर्फ इतना इसका, एक मिनट, डायमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस क्या हो गया, 7/2। इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 मिलीमीटर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों हैं हमारे पास। आगे चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, अगर पेंसिल की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है पेंसिल की उसको हम हाइट बोल देते हैं, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। एक तो वॉल्यूम बतानी है वुड की और एक ग्रेफाइट की। तो देखिए ग्रेफाइट तो अंदर पूरा क्या है कि जैसे एक सॉलिड सिलेंडर भर रखा हो, समझ गए? ठीक है, ग्रेफाइट इज जस्ट लाइक कि जैसे आप मान लीजिए कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक सॉलिड सिलेंडर भर रखा हो। देखिए मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, जैसे हमारे पास ये मार्कर है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे ऐसा ही है कुछ, ये जैसे ये मार्कर है तो ये अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है, इसके अंदर जो है वो फोम का एक वो भरा हुआ है जिसके अंदर हम इंक भर देते हैं। तो इसी तरीके से पेंसिल भी वुड की है और वुड के अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आप उस ग्रेफाइट का वॉल्यूम बताइए और फिर वुड का वॉल्यूम बताना है। तो देखिए पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालो, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालो, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बीच वाला जो ये है जो मैंने शेड कर रखा है, वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? आप सबसे पहले क्या करें कि बीच में जो ये ग्रेफाइट भरा हुआ है, इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका रेडियस दे रखा है 1/2, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो ग्रेफाइट का निकालिए, एक मिनट, पहले ग्रेफाइट का तो निकालो, पूछा गया है अलग से, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई इज 22/7 एंड अच्छा, इस क्वेश्चन में ठीक है, पाई को कुछ बोला नहीं है इन्होंने, तो हमने 22/7 ले लिया और इसका रेडियस कितना है, 1/2 स्क्वायर, और जो हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 10, ताकि सब कुछ मिलीमीटर में हो जाए, 7 × 2 = 14, 22 × 1/4 × 2 × 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 × 11 = 22। तो 11 × 10 कितना आ गया बेटा, 110 mm³। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। यहां तक क्लियर है? बताइए क्लियर है? उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का निकाल दिया, अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है वुड का। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट।
वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कैसे निकलेगा, पेंसिल के लिए क्या कि पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालना है, तो 7/2 ले लिया कैपिटल आर, अभी बताता हूँ बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखिए पाई और एच को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी देखता हूँ कितना बता रहे हैं, 528। चलिए अभी देखता हूँ, 22/7, बाकी बच्चे भी अगर खुद से करना चाहें बट ट्राई करिए। हाइट उसका कितना था, 14 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट करके मिलीमीटर में कर लिया तो 140 हो गया था, ठीक है। और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 7 × 2 = 14 और ये 20 हो गया, 440 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4, 440 मल्टीप्लाइड बाई 49/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 48/4, और 4 12 = 48 होता है, तो 12 0 = 0, 12 4 = 48, 4 कैरी 12 4 = 48 और 4 5 2 8 0 आना चाहिए, चेक करिए, 5 2 8 0, ठीक है, 5 2 8 0 मिलीमीटर क्यूब आ गया। बताइए ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बताएं, सबको क्लियर है, सिमर, लावण्य, कुश, जानवी, बताइए, यस सर, ठीक है ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसी चैप्टर का 13.6 का ही, जैसे हमने क्वेश्चन 7 देखा है, क्वेश्चन 8 देखते हैं जरा, 8 देखिएगा। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, क्या सूप, तुम्हें क्या सुनाई दिया, स्कूप, डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इफ द बोल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सिलेंड्रिकल बोल जिसका कि डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसमें डेली सूप दिया जाता है, एक पेशेंट को एक सूप दिया जाएगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो देखिएगा, बता रहा हूं, इन्होंने बोला है इफ द बोल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक अगर उसको भर दिया जाता है, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसका जो रेडियस है, डायमीटर इसका दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 7/2, रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी भी हो, उन्होंने बोला है कि उसको 4 सेंटीमीटर तक ही फिलअप करा जाता है, तो मैं जो वॉल्यूम निकालूंगा ना सूट की, वो वॉल्यूम मेरी यहां तक निकलेगी, बस यहां तक निकलेगी, ऊपर वाला सिलेंडर मान लीजिए हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ गए, क्योंकि सूप को तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जाएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पेशेंट को हम कितना सूप दे रहे हैं, मतलब वॉल्यूम पता चल जाएगी उसकी, तो 4 सेंटीमीटर इज हाइट फॉर मी, भले ही वो जो बोल है उसकी हाइट ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई जिस हाइट तक सूप भरा हुआ है, और रेडियस कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर,
अब देखिए अभी देखता हूँ मैं, अभी देखता हूँ। यहां से हम ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी सर्व्ड टू, बेटा बातें नहीं प्लीज, वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी सर्व्ड टू वन पेशेंट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 4, तो 22 अपॉन 7 इंटू 7/2 का स्क्वायर क्या हो गया 49/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल और 7/7 का 49, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पेशेंट को इतना सूप जो है वो सर्व करा जा रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए वो जो हॉस्पिटल है वहां पर कितना सूप डेली प्रिपेयर करा जाए ये बताइए। तो हम ये करेंगे, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स। अब ये देखिए कि 250 पेशेंट्स को सर्व करा जाए तो कितना सूप होगा, 154 मल्टीप्लाइड बाई 250, ठीक है, इस जीरो जीरो को हटा दीजिए लास्ट में, बेटा बातें मत करो, ज्यादा बातें हो रही हैं, ये जीरो यहां पर लगा दिया, 25 फोरजा हो गया 100, तो 10 कैरी आ गया, 25 फाइवजा 125 और 10 135, 13 कैरी आ गया, 25 वन जा 25 और 13 कितना हो गया 38, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये हो गया 38.5 लीटर के डेली इतना सूप हॉस्पिटल को बनाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन 8 13.6 का। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसके बाद एक्सरसाइज क्या टाइम हो गया, क्या मैंने देखा नहीं, क्या आप लोगों की निगाह टाइम पर ही रहती है लगता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा देखिएगा, इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाली भी एक्सरसाइज करिए, जिस बच्चों को डाउट है मेरे से पूछना, और आज मंडे है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, पूरे चैप्टर का पूरा, जो आठों की आठों एक्सरसाइज है, जहां पर जो भी डाउट है वो पूछिएगा। आपने मैथ्स में ये वाला चैप्टर कर लिया तो समझ लीजिए मैथ्स का सिलेबस टर्म टू का आपका फिनिश हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओमिक्रोन आए या कुछ भी आए, एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपका जो फाइनल एग्जाम्स है वो ये फेब में कराकर 10th क्लास स्टार्ट कर देंगे फेब में, फेब यानी कि अगला, हाँ स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं, तो फेब मतलब अगला महीना, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, नोट करना हो तो कर लीजिए।